हीरे को तराशने की जरूरत थी। आप जो कह रहे हैं it's quite revealing, I mean, very interesting, लेकिन अभी तक पाकिस्तान न जाने की वजह समझ नहीं आई। सेक्रेटरी साहब, 1947 में जब कई लोग हिंदुस्तान की आजादी की खुशियां मना रहे थे तो बड़े सारे बंटवारे का गम मना रहे थे। लाखों परिवार हमेशा हमेशा के लिए बेघर हो गए। उनमें से एक मिल्खा भी था, उसका पिंड गांव पाकिस्तान वाले हिस्से में था। वो छोटा जा सी जी, कोई 10-12 साल का होगा। बड़ी मुश्किल से किसी ना किसी तरह अपनी जान बचा के दिल्ली पहुंचा जी, एकदम अकेला। गोविंदपुरा से हैं? गोविंदपुरा? मेरा पिंड कोटाडू के पास गोविंदपुरा मुल्तान पंजाब में है। है नहीं था। मुल्तान अब पंजाब में नहीं, पाकिस्तान में है। तो अपने बारे में लिखवा। नाम? मिल्खा सिंह गोविंदपुरा। किसे ढूंढ रहे? ईसरी कौर। क्या लगती थी वो तेरी? बड़ी बहन। कितनी उम्र? पता नहीं।
बलविंदर मंडी बहाउद्दीन, बिंदर मियांवाली से, बब्बू मुल्तान से आर्मी स्टाल पर पहुंचे, मिल्खा सिंह गांव गोविंदपुरा जिला मुल्तान से आर्मी स्टाल पर पहुंचे, मिल्खा सिंह जहां कहीं भी मेरी आवाज सुन रहे हो आर्मी स्टाल पर पहुंचे, बख्शी बखपता से, बलबीर राजनपुर से, बलदेव साईवाल से, बलजिंदर जिला शेखुपुरा, मुख्तियार सिंह लियाकतपुर से आर्मी कैंप पहुंचे, बलजीत सानी चलो जी। ये जब कहा था तेरे पियो को कि चलो हिंदुस्तान चलते हैं, अब पाकिस्तान बन रहा है, यहां हमारा कौन है? पर नहीं जी, सर कटा लेंगे पर अपना गांव नहीं छोड़ेंगे। अरे क्या मिल गया, क्या मिल गया बहादुरी दिखा करके है? दबाएं। स्वामी पैर दबाएं। में आया कर
तू फिक्र ना कर, मैं तेनू छड़ के किते भी नहीं जावांगा, कभी भी नहीं। बोल जल्दी दे, उठा ये ले। बड़ा अच्छा लड़ता है। चाकू चलाएगा? हिम्मत है? Stop!